हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और कैसे जा रहा है आपका वीक। तो आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनके पास इनकम ज़्यादा जनरेट नहीं हो पा रही, आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, आप क्विट करने की सोच रहे हैं जॉब की, दूसरी जॉब ढूंढें, आपका बिज़नेस ठीक नहीं चल पा रहा है और आप सोच रहे हैं कि दूसरा कोई बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। जब ऐसी चीज़ें दिमाग में आती हैं, यहाँ आप हाउस वाइफ हैं, आप सेव नहीं कर पा रही हैं, ये भी है, तो इन चीज़ों में बैच फ्लावर आपकी बहुत हेल्प करता है। अगर आप मेरा एक्सीडेंट वाला वीडियो देखें, उसमें मैंने बताया था कि जब वाइन एक वो एनर्जी है, जो वाइन लोग होते हैं वो लीडरशिप उनके अंदर बहुत होती है, मतलब वो आपको पूछेंगे नहीं, वो सिर्फ बताएंगे कि ये काम है और आपने ही करना है, वो आर्ग्यूमेंट नहीं करते। और जब ये नेगेटिव वाइन, जब आप मतलब सामने वालों की ज़्यादा वो सुनते नहीं है, डोमिनेंट ज़्यादा हो जाता है, तब आप कहते हैं कि आप भाड़ में जाओ, सब जाओ, मुझे कुछ लेना देना नहीं, तब आपके अंदर वो क्विटिंग वाला जो कीड़ा है ना वो आ जाता है कि यहाँ से क्विट करते हैं, अब चलते हैं, बस हो गया। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, ताकि आप दूसरों का पर्सपेक्टिव भी समझें और थोड़ा कंपैशन अंदर आए और लोगों से ज़्यादा मिले जुलें, क्योंकि पैसा क्या है, पैसा जितना ज़्यादा आप लोगों से मिलेंगे जुलेंगे उतनी ज़्यादा बातचीत होगी, पर ये वाइन पर्सनैलिटीज़ है ना, ये ज़्यादा किसी से मिलती जुलती होगी। और करियर में ये क्या, अगर आपको याद हो, बहुत टाइम हो गया, अभी वो सुसाइड केस था कैफ़े कॉफ़ी डे के ओनर का। अब आप ये सोचो कि उन्होंने इतने साल में इतना पैसा कमाया कि एक कैफ़े इतना बड़ा क्रिएट किया, बट उनको आके डायरेक्शन नहीं मिली, ही वॉज डायरेक्शन लेस, तो उन्होंने क्या ऑप्शन चूज़ किया, क्विट करने का, सुसाइड। सो ही मस्ट हैव बीन अ वाइन पर्सनैलिटी। अब वाइन पर्सनैलिटी का नेक्स्ट स्टेज क्या है, जब अगर वो आपको कुछ सिख, कोई भी फ्लावर आपकी लाइफ में है वो आपको कुछ सिखाने आया है, अगर आप डोमिनेंट बहुत हो जाते हो, आपको समझ में नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं, आप क्विट करते हो, आप एक डायरेक्शन लेने की कोशिश करते हो लेकिन आप डायरेक्शन लेस हो जाते हो, वो जो फ्लावर होता है वो होता है वाइल्ड ओट, तो ये बाद में आता है। पर जिन लोगों को पैसों की तंगी हो रही है, वो मैं कहूँगी वाइन और ओक, क्योंकि ओक का काम क्या है, आपको लोगों से मिलाना, तो वाइन और ओक जो है वो तो वो ले ही ले, ठीक है। और अगर डायरेक्शन लेस फील कर रहे हैं, जो कि वाइन की नेक्स्ट स्टेज है, तो आप वाइल्ड ओट लीजिए। और ये मरकरी के उसमें आती है, अगर आप देखें ना मरकरी का वर्गो साइन जो होता है ना, उसमें आती है कि सबसे पहले सिरेटो आता है कि आप अपने आप को डोरमैट समझते हैं, फिर उसके बाद आप डोमिनेंट पर्सनैलिटी बनने की कोशिश करते हैं, सबको अंदर इतना गुस्सा आ जाता है, भर जाता है, यार मैं जो कह रहा हूँ मुझे पता है, मैंने बहुत दुनिया देखी, इसे बोलते हैं कि नहीं, है ना। फिर उसके बाद जब आप उस फ्लावर से भी नहीं सीखते, तो तीसरा फ्लावर आता है वाइल्ड ओट, जब आप डायरेक्शन लेस हो जाते हैं कि भाई अब क्या करें पता है। तो ये थी बैच फ्लावर की बात। अब बात और करें, अगर आप सबकॉन्शियसली एफर्ट करना चाहते हैं कि भाई मनी पावर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो अपने आप को रात को सोने से पहले शीशे में देख के बोलें कि आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, और उसके साथ दो रीज़न ऐड करके इतना पैसा क्यों होना चाहिए। और जब आप सो रहे हैं, आंखें बंद करके विजुलाइज करें कि आपके पास इतना पैसा आ रहा है और आप इस पैसे का यूज़ कैसे कर रहे हैं। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, तो सबसे पहले आप एक चीज़ सोच लीजिए कि मैं जब इतनी फला इनकम मेरी आएगी, तो मैं इससे जो 10% डोनेशन है, पहले तो ये 10% डोनेशन आपको देनी ही देनी है। और क्यों, क्योंकि जो आप दुनिया से लेंगे, जो लोगों से लेंगे, वो आपको वापस भी देना होता है, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, है ना। तो डोनेशन इज़ वेरी नेसेसरी, वरना फिर वो आपकी बीमारी में पैसे निकलते हैं, इसीलिए बता दें। तो शीशे में देख के अपने आप को बोलें कि तुम पर मंथ इतना कमा रहे हो। अब ये तो जादू तो है नहीं जो ओवरनाइट हो जाएगा, कईयों के लिए ओवरनाइट हो जाता है, उनकी सबकॉन्शियस माइंड सुन लेती है, पर कईयों को बहुत टाइम लगता है। द
फिर साथ में अपने आप को दो रीजन दे कि मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये भी ये इससे मेरे को ये फायदा होगा, उससे मेरे को ये काम भी करना होगा, और फिर उसको विजुलाइज करते करते आप सो जाएं। मतलब आपके दिमाग में लेटते वक्त बस यही होना चाहिए कि मेरी इनकम इतनी हो गई है, या मैं इतना बिजनेस लेके आ रहा हूँ, या मेरी सेल्स इतनी हो गई है। क्या हम जब छोटे थे ना तो हमारे पापा हमको ये नंबर्स के लिए कहते थे, जब क्लास में नंबर कम आए और टीचर ने डांटा, हमें सब डांट रहे हैं, तो मेरे पापा मुझे एक बारी अपने पास बुलाया, बिठाया, कहते हैं कि अच्छा ठीक है, ये सब्जेक्ट है ना तेरे को परेशान कर रहा है, तू अब आँख बंद कर और अब तू देख के टेस्ट में तेरे कितने नंबर आए। मैं उनको नंबर बताया, कहते नहीं दोबारा सोच कितने नंबर आए। फिर जब तक उनको लगा ना कि भाई हाँ, मैंने जब 8 और 9 बता दिया 10 में से, तो अब उन्होंने मुझे क्या कहा उसके बाद कि अब तू ये रोज सोचेगी कि तेरे इतने नंबर आने हैं और तू उस हिसाब से पढ़ाई करेगी। और अब मानेंगी नहीं कि मैं अपने पापा की बहुत बात मानती थी, और मेरे उतने ही नंबर आए और मैंने उतने ही लगन से पढ़ाई की। क्या होता है फोकस। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बिठाया कि ये सब्जेक्ट में मैं वीक नहीं हूँ। तो सिमिलरली पैसों में भी ऐसा, आप ट्राई करके देखिए, अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। और आज का ग्रैटिट्यूड अपने पैसों को दीजिए, जितने भी इनकम अभी है, माता लक्ष्मी आ तो रही हैं, तो बोलिए अपने सोर्स जो है ना, जहाँ से पैसा इनकम आपको आ रही है, उस सोर्स को ग्रैटिट्यूड दीजिए। देखिए ग्रैटिट्यूड देने से कितना बढ़ता है, तो आज अपने जर्नल में ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।